टेक्नोलॉजी की दुनिया में जर्मनी का नाम सबसे ऊपर आता है। जर्मनी विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत आगे है, लेकिन इसके अलावा जर्मनी के लोग अपने देश के प्रति वफादारी और बहादुरी के लिए भी जाने जाते हैं। जर्मनी की कई खूबियां दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ होमोसेक्सुअल लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना कानूनी अपराध है। यहाँ पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना गैरकानूनी है, वहीं शराब पीना कानूनी है। यूरोप में जर्मनी शराब की खपत के मामले में दूसरे नंबर पर है। ऐसे ही कुछ रोचक बातें आज हम आपको जर्मनी के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक दिली गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको बाजू में जो बेल आइकन दिखे उसे भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बर्लिन पेरिस से 9 गुना बड़ा है और वेनिस के मुकाबले यहाँ पर ब्रिज की संख्या ज्यादा है। जर्मनी में अगर कोई कैदी जेल से भागने का प्रयास करता है तो उसे इसके लिए सजा नहीं दी जाती है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि कैदियों का जेल से भागने का प्रयास करना स्वाभाविक है। दुनिया की पहली मैगजीन सन 1663 में जर्मनी में ही लॉन्च की गई। जर्मनी दुनिया के सर्वाधिक बुक वाले देशों में से एक है, जहाँ हर साल 94,000 से भी ज्यादा किताबें प्रकाशित की जाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, जिसके चलते प्रत्येक 3 महिलाओं पर सिर्फ एक ही पुरुष का आंकड़ा रह गया था, जिसके चलते 3 लड़कियों में से सिर्फ एक को ही पति मिल पाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह कंगाल हो चुका था। जर्मनी पर 96,000 टन सोने के बराबर कर्ज था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों और फेसबुक पेज पर शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूस की आर्मी ने 20 लाख जर्मन महिलाओं के साथ रेप किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की राजधानी बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार बना दी गई थी, लेकिन 1990 में यह दीवार तोड़ दी गई। दूसरे विश्व युद्ध के समय कोका कोला का आयात जर्मनी में नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ फैंटा बनाया गया। जर्मनी और जापान में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले जन्म दर सबसे कम है। देश का एक तिहाई भाग आज भी जंगलों और वुडलैंड से घिरा हुआ है। दुनिया की पहली प्रिंटेड बुक जर्मनी में ही छापी गई थी। जर्मनी दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। पूरी दुनिया में खून खराबा करने वाले हिटलर जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के 65% हाईवे पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में जर्मन भाषा तीसरे स्थान पर है। यूरोप में ज्यादातर लोग जर्मन भाषा ही बोलते हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लक्जमबर्ग और लिखटेनस्टीन की आधिकारिक भाषा जर्मन ही है। जर्मन भाषा में कुछ 35 बोलियां हैं। जर्मनी में कॉलेज सभी के लिए मुफ्त है, बल्कि जो लोग जर्मनी के नहीं हैं, उनके लिए भी मुफ्त है। दोस्तों, जर्मनी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जर्मनी में 300 अलग अलग प्रकार के ब्रेड हैं। जर्मनी में सॉस के 1000 से भी ज्यादा प्रकार हैं। बवेरिया में आधिकारिक रूप से बियर को भोजन माना जाता है। जर्मनी में 1500 तरह की अलग अलग बियर पाई जाती हैं। आयरिश के बाद जर्मन लोग ही सर्वाधिक बियर का सेवन करते हैं। बियर का सर्वाधिक सेवन करने वाले देशों की लिस्ट में जर्मनी दूसरे स्थान पर आता है। दुनिया का सबसे बड़ा बियर महोत्सव ऑक्टोबर फेस्ट है, जिसका आयोजन जर्मनी के म्यूनिक बवेरिया में किया जाता है। यहाँ बियर के गिलास का आकार पूरे 1 लीटर जितना होता है। एक बियर लेने के लिए जर्मनी में आपको अपना एक अंगूठा दिखाना पड़ता है। यदि आपने अपनी पहली उंगली दिखाई तो इसका मतलब होगा कि आपको 2 बियर चाहिए। दुनिया में किसी भी दूसरे देश की तुलना में सर्वाधिक फुटबॉल फैन क्लब जर्मनी में ही है। क्रिसमस ट्री की परंपरा की शुरुआत जर्मनी से ही की गई। जर्मनी में 400 से भी ज्यादा चिड़ियाघर हैं, जो किसी भी दूसरे देश की तुलना में सर्वाधिक है। जर्मनी के टॉयलेट पेपर में पेपर टॉवल के जितना ही कोमल और स्थिर होता है। जर्मनी में तकरीबन 150 से भी ज्यादा महल है। दुनिया की सबसे छोटी सड़क र्यूटलिंगे में है, ये केवल 31 सेंटीमीटर चौड़ी है। हिटलर द्वारा मारा जाने वाला नाजी सैल्यूट मारना आज जर्मनी में एक अपराध है।
ऐसा करने वाले को 3 साल की सजा हो सकती है। बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज जैसी नामी कंपनियां जर्मनी की ही हैं और आज पूरी दुनिया में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी की ज्यादातर टैक्सियां मर्सिडीज हैं। जर्मनी में आप किसी को भी एडवांस में हैप्पी बर्थडे नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि ये बैड लक की निशानी होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज आपसे फिर से एक दिली गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आपको जो बाजू में बेल आइकन दिखे उसे भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।